हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आईटीआई वाले स्टूडेंटों के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी। चलिए, ये वैकेंसी डीआरडीओ में है। आईटीआई वाले स्टूडेंटों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अब आपको बिना देर किए हुए मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, विभिन्न ट्रेडें दी हुई हैं इसमें। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, कारपेंटर, प्लम्बर, वेल्डर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, टर्नर, मशीनिस्ट, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर इंग्लिश वाली भी और स्टेनोग्राफर हिंदी वाली भी, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस। देखिए, काफ़ी ट्रेडें दी हुई हैं। तो इसमें जिन छात्रों ने आईटीआई इन संबंधित ट्रेडों से की हो वो फॉर्म जरूर डालें इसमें। देखिए, सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, बहुत बड़ी है, ये मौका बार बार नहीं मिलता। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ इसका प्रोसेस क्या रहेगा। देखिए, इसका प्रोसेस जो है, आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा इसकी वेबसाइट से। मैं आपको फॉर्म बताऊंगा आगे कैसे डाउनलोड करना है। और ये ईमेल आईडी दी हुई है, इस पर सेंड करना है जितने भी डॉक्यूमेंट बताए जाएंगे उन सभी की फोटोकॉपीज पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में अपडेट करनी है। इसकी लास्ट डेट क्या है, 15 दिन जब से आपका फॉर्म निकला हुआ है तब से। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका, नो इंटरव्यू, मतलब इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। इसमें सिलेक्शन मेरिट बेस पर होगा। टर्म ऑफ कंडीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ अप्रेंटिस, अप्रेंटिस की ये कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। 1961 वाला अधिनियम के तहत ये भर्ती की जाएगी। देखिए, सभी जिन्होंने जितने स्टूडेंट हैं आईटीआई कर रखी है इन्होंने और उनकी ट्रेड दी हुई है इसमें, वो फॉर्म डालना ना भूलें। देखिए, ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इसे डाउनलोड कर लेना है और इसे फिल करना है। भरने के बाद, ठीक है, इसमें भरा क्या जाएगा देख लीजिए, नेम, फादर्स नेम, नेशनलिटी, नेशनलिटी मतलब आप कहाँ से हैं, डेट ऑफ बर्थ, एज, कैटेगरी मतलब एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी हैं, ईमेल आईडी, एड्रेस देना पड़ेगा, फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर एक, और कॉरस्पोंडेंस एड्रेस देना पड़ेगा अगर है तो, नहीं तो परमानेंट एड्रेस दे सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए, इसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरनी है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो अवश्य भरें, मिनिमम 10th प्लस आईटीआई होना ज़रूरी है, ठीक है। अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट यहाँ डालनी है, ठीक है, यहाँ अपने साइन करने हैं, यहाँ डेट डालनी है, यहाँ अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट डालनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, इसमें सभी आईटीआई स्टूडेंट जिनकी ट्रेड दी हुई है वो अवश्य अप्लाई करें। मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की काफ़ी दिनों में आई है ये, ठीक है। और भी अप्रेंटिस की वैकेंसी की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।